हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इंडिया पोस्ट में GDS की वैकेंसी 2024 के लिए। GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक। इसमें तीन प्रकार के पोस्ट होते हैं। ये ग्रुप सी की नौकरी है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में फुल डिटेल्स। लेकिन अगर आप इसका अप्लाई करने का लिंक चाहते हैं या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों ही चीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको इसलिए बताया है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, उसमें आपको बताया था कि 42,000 कुछ पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। लेकिन देखिए, मेरी बात गलत साबित हो गई क्योंकि 44,228 पोस्ट, मतलब कि 45,000 के अप्रॉक्स सीट्स पर आपकी भर्ती आ गई है। अप्लाई की जो डेट है ना, 15 जुलाई से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट 5 अगस्त रहेगा। मतलब 5 अगस्त तक ही समय है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दें आप, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि सर्वर इशू हो जाती है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई कर नहीं पाओगे। फॉर्म की फी की अगर बात करूँ तो 0 रुपीज, मतलब किसी भी कैंडिडेट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। रही बात की उम्र सीमा यानी एज लिमिट क्या होगा, तो सबसे पहले बात ये आती है कि किस डेट के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेट होता है। देखिए, 5th of August 2024, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024, उसके अनुसार एज आपका कैलकुलेशन होगा। 18 to 40 years, मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। साथ ही साथ रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में, OBC को 3 years का और SC ST को मिल जाता है 5 years का। आगे जानेंगे इसके सारी बेसिक डिटेल्स, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं कि आपका जो 44,228 पोस्ट आया है उसको कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 19,862, मतलब 19,862 पोस्ट है। OBC वालों के लिए 8,024, SC वालों के लिए 5,941, मतलब कि आपका 5,941 सीट है। ST के लिए 4,892, 4,892 सीट रहेगा। EWS के लिए 4,330 यानी कि 4,330 पोस्ट है। एंड फिजिकली हैंडीकैप पर्सन का अलग अलग क्राइटेरिया, लेकिन कंबाइन करके 1179, मतलब कि 1179 पोस्ट आपका रहने वाला है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सभी कैटेगरी के लिए पद बहुत अच्छा खासा रहने वाला है क्योंकि 45,000 पोस्ट है। तो इसके लिए आपका तीन तरह का रहेगा जो आपका पद होता है। मैंने पहले ही बताया था कि तीन प्रकार के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसमें पहला पोस्ट होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, सेकेंड होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, एंड लास्टली आपका थर्ड पोस्ट है डाक सेवक के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपको क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ेगा, ये आपको नोटिफिकेशन में बाकायदा मेंशन किया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या काम करना पड़ सकता है। तो फिर इसके बारे में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से एक बार समझ लीजिए कि आपको क्या क्या मैनेज करना पड़ सकता है। आगे जानेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत सिंपल होती है फ्रेंड्स, कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरिट किस बेसिस पर बनेगा। देखिए, आपका जो मेरिट बनता है इसके लिए 10th का स्कोर है ना, उसके बेसिस पे, उसमें आपका जितना हायर परसेंटेज होता है उस अकॉर्डिंग आपका लिस्ट तैयार किया जाता है। दूसरी चीज ये कि आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे या अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वैकेंसी जो निकली है ना, अलग अलग स्टेट के लिए लोकल लैंग्वेज सहित निकली है। तो अगर आपको दूसरे राज्य का भी लोकल लैंग्वेज पता है तो आप वहाँ के लिए भी भर सकते हैं। हर स्टेट का अलग अलग आपको सीट भी बताया गया है, किस स्टेट में कितना है, भाषा क्या है, सारा कुछ नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। फिलहाल आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आपसे डिमांड किया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो 10th पास सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। मतलब कि क्लास 10th यानी हाई स्कूल आपने पास किया है विथ मैथ एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, मतलब कि मैथ यानी कि गणित और अंग्रेजी 10वीं कक्षा में आपका एक विषय होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज मैंने पहले ही बता दी है कि लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। मान लीजिए कि किसी स्टेट का लोकल लैंग्वेज है उर्दू और हिंदी, तो दोनों में से कोई एक आपको आना चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए फॉर्म भर पाएंगे। थर्ड चीज़ ये है, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, देखिए आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। अब साइकिल चलाने आएगा तभी तो आप डाकिया का काम कर पाएंगे, इसलिए ये साइकिल चलाना तो मोस्टली हर बच्चे को आता ही होगा। बस यही सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा तो और अच्छी बात है, कंप्यूटर चलाने आएगा आपको तो वहाँ पर आपको और अच्छी पॉसिबिलिटी आगे बनती है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग सर्किल वाइज और जोन वाइज वैकेंसी रहेगा। ड्यूटी की आवर्स की अगर बात करें कि कितने घंटे का ड्यूटी होता है, सबसे खास बात तो ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि आपका जो ये जॉब होता है ना, मंडे टू सैटरडे आपकी जॉब होती है, आपको संडे के दिन ऑफ मिलता है। साथ के साथ आपका जो वर्किंग आवर्स है ना, 4 से 5 घंटा का होता है। मतलब कि एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 4 घंटे का और बीपीएम के लिए 5 घंटे का, मतलब कि डेली आपको बस 5 घंटे काम करना है। और हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा रहता है कि आपका जो सैलरी रहता है ना, उसके अलावा मान लीजिए कि 5 घंटा से ज़्यादा आप ड्यूटी करते हैं तो सैलरी आपको बढ़ा के दिया जाता है। समझिए कि एक तरह से इंसेंटिव आपको मिलता है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आप चाहे तो आप अपने इलाके के भी डाकघर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप आगे तैयारी कर रहे, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो डेली बस 5 घंटे का ड्यूटी है, उसके बाद संडे को छुट्टी भी रहेगा, तो आप पढ़ाई अपना कर सकते हैं। साथ के साथ ये रहेगा कि सरकार की तरफ से आपको सैलरी भी दिया जाएगा, तो इससे आप अपना आगे अच्छा तैयारी कर पाएंगे। सैलरी की अगर बात करें, ब्रांच पोस्ट मास्टर का शुरुआत में 12,000 से लेके 24,380 के बीच में सैलरी रहता है। एबीपीएम और डाक सेवा के लिए 10,000 से लेके 24,470, मतलब 25,000 तक इसका भी सैलरी होता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें। आई होप इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको मिल गई होगी। अब भी कुछ जानना है तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।